आज उसी में हमें अवसर मिला हुआ है कि हम अपने चतुर्दी मंझरिया, हसनगंज, महुआ चापी, ककरहिया, दोदड़ा, छोटी रतोहिया, बड़ी रतोहिया के 75 ऐसे गौमाय हैं भारत की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सम्मानित बुजुर्गों का सम्मान करने जा रहे हैं। ये सम्मान उनका नहीं है, ये सम्मान करने का गौरव महाविद्यालय को मिल रहा है। महाविद्यालय सम्मानित हो रहा है, हम सभी सम्मानित होने जा रहे हैं, क्योंकि उनसे केवल इस क्षेत्र का या गांव का विकास नहीं हुआ है, बल्कि उनके बूंद बूंद के योगदान से इस देश का विकास हुआ है, इस समाज का विकास हुआ है, हम सभी का विकास होगा। आप सभी का आशीर्वाद जब से यह महाविद्यालय स्थापित हुआ है तब से मिल रहा है। यह पहला अवसर है कि हम सभी लोग यहाँ बैठकर एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं और हम आप से आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद इस महाविद्यालय की विकास यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा। सर्वप्रथम मैं सभागार में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर राजेंद्र भारती जी, छात्र संघ अध्यक्ष श्री सूरज गुप्ता जी, छात्र संघ महामंत्री श्री राहुल यादव जी, सम्मानित हमारे पथ प्रदर्शक शिक्षक बंधुओं, सहकर्मियों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं भारत के उस महान सपूतों को महाविद्यालय की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे दाहिनी तरफ उन्हीं आजादी के 3 कर्णधारों के चित्र लगे हुए हैं, महाराणा प्रताप जी, जिनके नाम पर यह महाविद्यालय स्थापित है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करने वाले और देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे मार्गदर्शक, हमारे पथ प्रदर्शक और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिव्यनाथ जी के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले और इस महाविद्यालय के संस्थापक राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले जो इस समय सभी लोगों के हृदय सम्राट बन चुके हैं, परम पूज महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं, उन्हीं की परंपरा को हम जीवंत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह महाविद्यालय उन्हीं के सपनों को साकार करता हुआ आगे प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मैं अपनी बात बाद में रखूंगा, सबसे पहले मैं अपने बुजुर्गों से, अपने यहाँ आए हुए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इसलिए कि हो सकता है आप सभी लोगों को इतनी देर बैठने का अभ्यास इस समय ना हो, क्योंकि आप लोगों की आयु काफी हो चुकी है। फिलहाल आप लोग हमारे लिए अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ बैठे देखकर हम लोग गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारे कंधे से कंधा मिलाकर आज भी आप में चलने का सामर्थ्य है। आप हमको सहयोग दे रहे हैं, आप हमको सानिध्य दे रहे हैं और अब आप हमको आशीर्वाद प्रदान करने जा रहे हैं। अब हम आप लोगों को सम्मानित करने के लिए एक एक करके आमंत्रित करें, इससे पूर्व मैं अपने मुख्य अतिथि जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी का
सम्मान करके महाविद्यालय को गौरव का क्षण प्रदान करने का कष्ट करें। मंझरिया हसनगंज महुआ चापी कटरैया धोदरा छोटी रतोहिया बड़ी रतोहिया के कुल 75 सम्मानित बुजुर्ग का सम्मान आप सभी लोग कर्तव्य होने से स्वागत करें, सम्मान करें। यह एक गौरव का क्षण है। इस समय इस सभागार में तीन पीढ़ी हमारी मौजूद है, तीन से अधिक पीढ़ी मौजूद है और उनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और इससे हमको जो है आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए ताकि हमारा आगे आने वाला मार्ग निष्कंटक हो और हम इनके आशीर्वाद से अपने प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर होते रहें। आप सभी लोग इनका कर्तव्य ढंग से स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सभी लोगों को आज यहाँ इस सभागार में उपस्थित देखकर निस्संदेह सभी लोग कुछ न कुछ सीख रहे होंगे, कुछ न कुछ आपसे प्रेरणा प्राप्त कर रहे होंगे। मैं स्वयं आप सभी लोगों को देखकर महाविद्यालय के भविष्य के प्रति निश्चिंत हो रहा हूं कि आपका आशीर्वाद यदि प्राप्त होता रहा तो हमारा महाविद्यालय सदैव प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। आप सभी लोगों को पता है कि इन 75 लोगों का सम्मान हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह आजादी का 75वां वर्ष पूर्ण हो रहा है, उसके प्रतीक स्वरूप हम लोग इनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और इनसे इनको सम्मानित करके स्वयं सम्मानित हो रहे हैं, स्वयं प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। ये हमारी वो पीढ़ी है जो स्वतंत्र भारत को एक दिशा दी है, मार्गदर्शन दिया है, अपने खून पसीने से इसकी विकास यात्रा को आगे बढ़ाया है और आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है, तत्पर है। हमें इनके लिए तालियां बजाते रहना चाहिए। ये अद्भुत क्षण है हम सभी के लिए, ऐसे अवसर जीवन में कभी कभी प्राप्त होते हैं जब हमें साथ इकट्ठा होकर और अपने सभी सम्मानित जनों का, अग्रजों का स्वागत करते हैं और उनका स्वागत करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं। इस उम्र के पड़ाव पर हम सबको ये मानना चाहिए कि इन लोगों का इतना योगदान या इतना हमारे ऊपर इनका कर्ज है कि हमें इसको उतार पाना संभव नहीं है, क्योंकि जो बीत गया, जो इन्होंने कर दिया, हम वहां पहुंचकर इनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कर सकते हैं कि हम इनको सम्मान दे सकते हैं, हमें इनको सम्मान देना चाहिए ताकि ये भी मुख्य धारा से जुड़े हुए आज भी अपने परामर्श द्वारा, अपने आशीर्वाद द्वारा हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें। जी
उन वीर सपूतों को याद करते हैं, बार बार बात करते हैं कि उन्होंने जवानी में बलिदान दिया और भारत माता को आजाद कराया, वैसे आजाद भारत की धरा पर इन्होंने अपनी जवानी को कुर्बान किया है और उसके विकास यात्रा के सहगामी बने हैं। हमको इनके लिए तालियों की गड़गड़ाहट करनी चाहिए, तालियां बजानी चाहिए, इनका स्वागत और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आज भारत जो हम कहने के लिए उकावले रहते हैं कि यह इस स्तर पर है, यह जो है इस अर्थव्यवस्था में पहुंच गया है, हम इतने आगे बढ़ गए हैं, वो सब इन्हीं लोगों की देन है, इन्हीं के प्रेरणा का प्रताप है, इन्हीं के बल बहुत और सामर्थ्य की देन है, इन्हीं के सारे कर्मों का प्रतिफल है। इन्होंने जो कुछ भी कार्य किया है वो देश के हित में किया है। आज हम सभी लोग इनको अपने बीच पाकर गौरवान्वित हो रहे हैं और आह्लादित हैं। ऐसे में हमें इनका सम्मान करते हुए और इनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। Yeah.
एक ऐसी श्रृंखला जिस पर हमको चलना चाहिए। प्रत्येक वर्ष हमको अपने बुजुर्गों का सम्मान करते रहना चाहिए। कहते हम लोग करते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने किया नहीं है। हमारे महाविद्यालय के तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं ने किया है, लेकिन वो पटल पर नहीं आता है, वो कभी पटल पर आया नहीं। ऐसा नहीं, हमने प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से कुछ न कुछ सराउंडिंग चारों तरफ से लोगों को बुलाकर सम्मानित करने का प्रयास किया है। लेकिन इस तरीके से हम किसी विशिष्ट अवसर पर सामूहिक रूप से पहली बार यह काम कर रहे हैं, इसलिए यह अद्भुत क्षण है, महाविद्यालय के लिए एक अनोखा क्षण है। और ऐसे में आप सभी सम्मानित लोगों को आपके बीच पाकर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। महाविद्यालय आधारित है और आपके आशीर्वाद का आकांक्षी है। हमारा महाविद्यालय जब से स्थापित हुआ 2005 से ही सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है। हम लोग प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ ऐसे करते रहते हैं जो महाविद्यालय के सकारात्मक पहलू को उजागर करता है। हमारा महाविद्यालय मिशन मंझरिया के तहत सभी को शिक्षित प्रशिक्षित करने का कार्य कर रहा है। उन्नत भारत अभियान के तहत 5 गांव में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके आर्थिक उन्नयन करने के लिए, आर्थिक उन्नयन और विकास करने के लिए कार्य करता रहा है। महाविद्यालय अपने स्तर पर प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय में महिलाओं के उत्थान और स्वावलंबन के लिए निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र चलाता है। महाविद्यालय चतुर्दिक इस क्षेत्र के छोटे छोटे नन्हे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण चलाता है। इस तरीके से हमारा महाविद्यालय शुरू से ही सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है और समाज के बीच जाकर अपनी भूमिका का निर्वहन करता आ रहा है। लेकिन ऐसे सार्वजनिक मंच का हम पहली बार उपयोग कर रहे हैं और उपयोग करते हुए महाविद्यालय गौरवान्वित और हर्षित महसूस कर रहा है। अपनी मादी भूमिका निभा चुके, अपने कार्यों से, अपने क्षमता से, अपने बुद्धि से इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाने वाले मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। सभागार में एक बार सभी का वंदन और अभिनंदन। इसके साथ आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को अंत में महाविद्यालय प्रशासन सीधे अपने विद्यार्थियों से बेबाक तरीके से बात करने के लिए जाना जाता है। अब तक इस परंपरा को हमारे प्राचार्य जी या गणपति राव जी ने प्रत्येक वर्ष निभाया है। मैं उनकी तरीके से तो बोल नहीं सकता निश्चित तौर पर, लेकिन प्रयास करने जा रहा हूं। 15 अगस्त आप सभी लोग जानते हैं कि हम किस रूप में मनाते हैं। हम हमेशा अपने प्रत्येक कार्य को राष्ट्र को समर्पित करते हुए चलते हैं, भारत माता को समर्पित करते हुए चलते हैं। और उसी कड़ी में आज कुछ अमर सपूतों के सपनों को साकार करने के लिए, उनकी इच्छाओं को, उनके दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए,
उन्होंने कैसा सोचा होगा, हम महाविद्यालय को एक नया रूप देने का प्रयास करते हैं और आप सभी से बातचीत करते हैं। नवागत विद्यार्थियों और बहुत सारे नवागत शिक्षकों का मैं 15 अगस्त पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसी स्वस्थ परंपरा ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज, योगी जी महाराज और हमारे आदरणीय प्राचार्य जी ने इस महाविद्यालय को ऐसा खड़ा किया है कि यह महाविद्यालय धन कमाने के लिए नहीं है, यह महाविद्यालय आपके लिए है, समाज के लिए है, यह महाविद्यालय राष्ट्र के साथ समर्पित है। और सदियों यह महाविद्यालय अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए ऐसे नवयुवक गढ़ने का प्रयास करता है जो राष्ट्र को समर्पित हो, देश को समर्पित हो, समाज को समर्पित हो, केवल शिक्षा लेकर और नौकरी के लिए जगह जगह दर दर घूमता न रहे, वह स्वयं में एक ऐसी इकाई हो। और मैं इस समय 14-15 साल बीत गए हैं हमारी श्रृंखला को निकलते हुए, गर्व की अनुभूति करते हैं जब हमारे विद्यार्थी कहीं मिलते हैं अन्य विद्यार्थियों से, वो सदैव अलग दिखाई पड़ते हैं। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, उसी के लिए हम सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, हमारा महाविद्यालय प्रयत्नशील रहता है कि हमारा विद्यालय अन्य महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से अलग रहे। तो केवल हम किताबी ज्ञान नहीं देते हैं, हम समय समय पर उनको उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए हम विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, देश के कोने कोने से विभिन्न मनीषियों को बुलाते हैं, उनसे हम अपने विद्यार्थियों को रूबरू कराते हैं, उनके ज्ञान से उनको अभिषेचित करने का प्रयास करते हैं ताकि उनका व्यक्तित्व एक नया रूप, एक नया आयाम ग्रहण कर सके और समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके। महाविद्यालय की एक अपनी संस्कृति है, संस्कृत कभी देखी नहीं जाती, संस्कृत हमेशा अनुभव किया जाता है। आप कभी भी इस महाविद्यालय में जो प्रथम वर्ष में अभी आए हैं, हमें नहीं लग रहा है, लेकिन जो भी एक वर्ष पूरा कर लिया होगा महाविद्यालय के गेट के अंदर, जैसे घुसता होगा उसको यहाँ का परिवेश निश्चित तौर पर अपने आगोश में ले ही लेता होगा, और उसको कैसा आचरण करना है महाविद्यालय परिसर में, कैसा व्यवहार करना है, वो वहीं से ढालना और सिखाना शुरू करता है। और इसके लिए आयाम आगे बढ़ता है अनुशासन। महाविद्यालय कई तरीके से आपको अनुशासन के लिए प्रेरित करता है, सिखाने का प्रयास नहीं करता, प्रेरित करता है। और प्रेरणा में स्व अनुशासन सबसे आगे होता है। स्व अनुशासित यदि व्यक्ति होगा तो देश समाज काल परिस्थिति के अनुसार कहीं भी होगा तो अनुशासित होगा और अपने आप पर खड़ा होगा, और उस अनुशासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है समय। यदि हम समय पर सब काम करना शुरू कर दें तो निसंदेह स्व अनुशासित हो जाएंगे, क्योंकि यह समय सिखाता है कि किस जगह, किस परिवेश में, किस देश में, किस काल में हमको किस तरीके का आचरण और व्यवहार करना है, किस तरीके की बात करनी है, किस तरीके से अपने व्यक्तित्व को पेश करना है। तो स्व अनुशासन यदि हम लोगों ने सीख लिया, हमारे आगंतुक विद्यार्थियों ने सीखना शुरू कर दिया, अपने अग्रज विद्यार्थियों से, शिक्षकों से थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते हुए, तो 2-3 साल में निश्चित तौर पर वो एक स्व अनुशासन की तरफ अपने आप बढ़ जाएंगे और अपने जीवन में उसका लाभ प्राप्त करते रहेंगे। महाविद्यालय की एक अनुशासन व्यवस्था आपको गेट पर ही लग जाती है कि आपको शिक्षक दिख जाएंगे, आपको जगह जगह टोकने वाले लोग दिख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी में आए महाविद्यालय में वही कर रहे, हाँ कर सकते, आप पूर्णता स्वतंत्र है और पूर्णता आपको स्वतंत्र रहना भी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आप लोग अपने घर में रहते हैं ठीक उसी तरीके से हमारे महाविद्यालय में रखना प्रारंभ कर दीजिए, इसको घर मान लीजिए। जिस तरीके से घर की रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था
सभी में आपकी मादी भूमिका होती है, उसी तरीके से आपकी मादी भूमिका इस महाविद्यालय के संचालन में भी होनी चाहिए। आप घर की तरीके से रह सकते हैं, आप हमको सजेशन दे सकते हैं, हमारे किसी भी कर्मचारी को किसी भी शिक्षक से अपनी बात आप कह सकते हैं, सभी लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और तवज्जो देंगे निश्चित तौर पर। तो अनुशासन का एक दूसरा स्तर है और अनुशासन का एक तीसरा स्तर भी है। हर चीज की एक सीमा होती है, हम लोगों के पास भी हर चीज की एक सीमा है। जब हमारी सीमा पूरी हो जाती है तो उसके लिए हम मुकम्मल व्यवस्था करते हैं, उसमें कोई कोताही नहीं करते। उस अनुशासन पर चाहे कोई भी आ जाए हम उसको बर्दाश्त नहीं करते, चाहे कोई शिक्षक हो, कर्मचारी हो, कोई विद्यार्थी हो, कोई भी हो, उस अनुशासन की कसौटी पर। और उस अनुशासन की कसौटी के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास मुकम्मल व्यवस्था है, परिसर पूर्णतः कैमरे की निगाह में है, हमारा कैमरा हमेशा चलता रहता है, हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम स्वयं कैमरा देखते हैं और उसके अनुसार अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करते हुए और हम आगे की कार्रवाई कर देते हैं। हमारे चीफ प्रैक्टर उस पर कार्रवाई करते हैं, तमाम लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। महाविद्यालय के अनुशासन को कोई भी कभी भी चुनौती नहीं दे सकता है और जो चुनौती देगा वो महाविद्यालय में नहीं रह सकता है। इसलिए आप सभी से आग्रह है, विनय है, अनुनय है कि महाविद्यालय के परिवार के रूप में आप रहिए, आपका महाविद्यालय में परिवार के एक सदस्य के रूप में स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है। महाविद्यालय परिसर आप देखते हैं, महाविद्यालय परिसर आपको कुछ दिन में आकर्षित करना शुरू कर देगा, यदि अभी नहीं किया होगा। हर जगह हरियाली है, कम से कम आपके आंखों को तो संतोष देता ही होगा। ये हरियाली ऐसे नहीं है एक दिन में नहीं बनी है, किसी एक ने नहीं बनाया। इस महाविद्यालय के परिसर को ठीक करने में, संवारने में, सजोने में हम सभी की भूमिका रहती है, आपकी भी भूमिका रहनी चाहिए और आपको भी अपना कार्य निर्धारित करना चाहिए कि इस परिसर के लिए यदि हम 2 मिनट का समय दें, 2 मिनट न सही 1 मिनट का समय दें। हमारा 1800 से 1800 विद्यार्थी प्रत्येक दिन आता है, प्रत्येक दिन 2 पालियों में 1200 से 1800 विद्यार्थी आता है। कुछ नहीं करना इस परिसर के लिए, आप ध्यान दीजिए कि यह परिसर स्वच्छ रहना चाहिए। स्वच्छता के लिए करना क्या है, झाड़ू नहीं लगाना है, झाड़ू लगाने के लिए हमारे लोग है, झाड़ू लगाते हैं। हम सभी लोग जब जरूरत पड़ता है तो झाड़ू लेकर तैयार रहते हैं झाड़ू लगाने के लिए। आप गंदगी ना करें, एक काम यही कर दे कि आप जो है इस परिसर को स्वच्छ रहने का संकल्प ले लें, स्वयं गंदा ना करें। यदि आपको लगता है कि कोई कागज, कोई भी टुकड़ा आपके द्वारा फेंका जाता है या आपके द्वारा निकाला जाना है तो उसको प्लीज आप जेब में रख लीजिए ना, जहां कहीं डस्टबिन मिले उसको डाल दीजिए, क्योंकि आप गिराएंगे दूसरा उठाएगा। ये आप सोच सकते हैं कि आपके लिए, आपके आचरण व्यवहार के लिए किस तरीके से मर्मस्पर्शी होना चाहिए कि आपके गंदगी को, आपके द्वारा त्याज्य पदार्थ को दूसरे को उठाना पड़े। आप क्यों नहीं ऐसा कर सकते, यदि आप चाहें तो सहजता से, सुगमता से, सरलता से और छिपा कर कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चल सकता है कि आपने कोई चीज निकाला। आप मेज और डेस्क पर कुछ न लिखे, चलते हुए दीवार से आप अपने हाथ को ना रगड़ें, क्योंकि यह स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा, आपको आकर्षित करेगा, आपको प्रसन्न करेगा। और आप अपने घर की तरीके से उसको रखना चाहते हैं तो यह करना ही पड़ेगा। तो परिसर आपका है, जिस समय आपको यह समझ में आ जाएगा कि परिसर आपका है और प्रत्येक क्षेत्र में स्वच्छता आपकी जिम्मेदारी है इस स्तर पर कि आप ना गंदा करें, बाकी किसी को यदि गंदा करते हुए देखें
रोकने का प्रयास करें, टोकने का प्रयास करें, उससे झगड़ा न करें, उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न करें कि इससे आपको कोई बचा छोड़ दीजिए। इसके बाद करते दीजिए, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है, महाविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है, महाविद्यालय साफ रखेगा ही। इसके बाद आपका जो परम कर्तव्य है पढ़ाई का, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए जितना शिक्षकों को तत्पर रहना पड़ेगा उससे दो गुना ज्यादा है आपको तत्पर रहना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे महाविद्यालय का प्रत्येक पाठ या प्रत्येक विषय की पाठ योजना प्रत्येक दिन की हमारी वेबसाइट पर अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं किस दिन किस घंटे में कौन सा टीचर कौन सी क्लास पढ़ाने जा रहा है। यदि नहीं पढ़ाई होती है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे भी ना लगे आपको कि नहीं पूरा हो रहा है तो प्राचार्य जी से बात कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं कि आपकी पढ़ाई ठीक होनी चाहिए। और इसकी एक कसौटी है, आपकी पढ़ाई तब ठीक होगी जब महाविद्यालय आपका आगमन होगा, महाविद्यालय आप आना शुरू करेंगे, रेगुलर जब आप आएंगे तब आपको समझ में आएगा। एक दिन आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ाया गया और क्या नहीं पढ़ाया गया। तो इसलिए हमारे वेबसाइट को देखिए, वेबसाइट अद्यतन रहती है, वेबसाइट पर सारी सूचनाएं महाविद्यालय से संबंधित पड़ी रहती है, और वेबसाइट पर पाठ योजना प्रत्येक शिक्षक के उनके ब्लॉग पर रहता है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और एक चीज और, हमारे प्रत्येक शिक्षक उनके ब्लॉग पर पाठ्य सामग्री अपलोड है, आप जो कुछ भी पढ़ाया जाना है या पढ़ना है आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, तो वहां से आप देखें। और यहाँ की शिक्षण विधि से हो सकता है अब तक हमारे शिक्षकों ने आपको बता दिया और नहीं बताया तो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ जो है आपकी 6 दिन यदि कक्षाएं चलती है, एक बात जान लीजिएगा, यहाँ संडे मंडे ट्यूजडे से कक्षाएं नहीं चलती है, यहाँ कार्य दिवस से कक्षाएं चलती है। 6 दिन यदि कक्षाएं चलेगी तो 5 दिन उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, 6वें दिन आपसे पढ़ाने का प्रयास कराएंगे, और अंत में चलते चलते 3rd ईयर तक आप पढ़ाना शुरू कर देते हैं अपनी कक्षा को। आपके व्यक्तित्व में यही विकास शुरू हो जाता है, हम लोग जबरदस्ती आपके व्यक्तित्व में विकास करना शुरू कर देते हैं। आप क्या समझते हैं, आप आना बंद कर देते हैं, आप पढ़ाना बंद कर देते हैं, आप नाना प्रकार के बहाने करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम आपको छोड़ते नहीं है, हम आपको जो है वहां तक लाते हैं जहां से आपके व्यक्तित्व में बोलने की क्षमता का विकास हो सके, साक्षात्कार करने का, आपके संप्रेषण की कला का विकास हो सके, आप दूसरे के समक्ष प्रस्तुत हो सके और आपके व्यक्तित्व का अगला मूल्यांकन कर सके। इसके लिए हम आपको तैयार करते हैं, परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए हम महीने में एक दिन मासिक मूल्यांकन कराते हैं, जो महीने भर में पढ़ाया जाता है उसका मासिक मूल्यांकन होता रहता है, और वह मासिक मूल्यांकन अब तक की जो पढ़ाई रही है उसमें वार्षिक परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हमने किया है। इस बार हम लोगों ने जब जो है अपनी बैठक की वार्षिक योजना, उसमें तय किया है कि हम सेमेस्टर की परीक्षा के दृष्टिगत उसमें दोनों तरीके लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देंगे और आप लोगों का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपकी पढ़ाई आप अब तक देख चुके होंगे, सारे कमरों में हमारे यहाँ प्रोजेक्टर लग गया है, हमारे सारे शिक्षक त्रिवेणी पर पढ़ाए आपको पढ़ाते हैं, और उनकी पीपीटी अपलोड है हमारे वेबसाइट पर पहले का चुका। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं स्मार्ट क्लास पर, पिछले साल हमारे शिक्षकों को कार्यशाला भी आयोजित की गई शिक्षकों के लिए, उस पर हम आगे भी प्रयास करने जा रहे हैं। निकट भविष्य में हम अपने विभिन्न कमरों में हम लोगों की प्लानिंग है 5 कमरे कम से कम इस बार हम लेकर चले जाए अपने उस स्मार्ट क्लास पर। इसलिए शिक्षकों से अनुरोध है
कि वो डीएम विभाग में लगे स्मार्ट क्लास में जाकर अपनी कक्षाओं को संचालित करना शुरू कर दें, वहाँ के लोगों से मिलकर बातचीत करें, समय लें और कक्षाएं संचालित करें ताकि बाहर या व्यवस्था अन्य कमरों में भी मुहैया कराई जा सके। हमारे विद्यालय के शिक्षकों की जो पीपीटी है या जो अध्ययन सामग्री है वो उत्तर प्रदेश के डिजिटल लाइब्रेरी पर, उत्तर प्रदेश सरकार के डिजिटल लाइब्रेरी पर भी अपलोड है। जो विद्यार्थी चाहे वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकता है। पुस्तकालय हमारा आपके लिए तत्पर रहता है। पुस्तकालय शायद ही ऐसा किसी महाविद्यालय में आपको मिलेगा, क्योंकि ये हमारे महाविद्यालय में अनोखी अनोखी परंपराएं हम लोग विकसित किए हुए हैं। हो सकता है आप पुस्तकालय में जाए और पुस्तकालय में आपको पुस्तक मिले, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको पुस्तक पढ़ लिया, आप मार्केट चले जाइए और मार्केट से पुस्तक ले लीजिए और वो आप महाविद्यालय के नाम पर लीजिए, प्राचार्य महाराणा प्रताप महाविद्यालय जनरल उत्तर गोरखपुर, 10% डिस्काउंट पर किताबें मिलती है, ना दे रहा हो तो उसके यहाँ लीजिए, दूसरे क्या ले लीजिए, हमारे लाइब्रेरी में ले आकर आप जमा कीजिए, उसको चढ़वा दीजिए लाइब्रेरी में और अपने नाम पर ऐलान करा लीजिए और पढ़िए, समय से उसको जमा करिए। यदि समय से जमा नहीं करेंगे तो एक चीज और जान लीजिएगा, 8 घंटे आपको देना पड़ेगा, इसमें भी कोई कोताही नहीं। तो आप पुस्तकों के लिए भटकिए नहीं, यदि पुस्तक नहीं है लाइब्रेरी में तो इधर उधर बात करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे वहां जाए और पुस्तक खरीदे लाए और पेमेंट दे। हाँ, पेमेंट यदि आपको नहीं मिलता है, यदि किसी तरीके से उसमें विलंब होता है तो सीधे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, प्राचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं, हमारे यहाँ 2 शिकायत पेटिका लगी हुई है, एक प्राचार्य कक्ष के बाहर लगी हुई है और दूसरा जो है छात्रा कक्ष में लिखी लगी हुई है, वहां आप लिखकर अपनी बात को डाल भी सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी शिकायत हो महाविद्यालय से संबंधित, कहीं पंखा नहीं चल रहा है, कहीं लाइट नहीं चल रही है या अन्य कोई भी आपको समस्या हो, उस शिकायत पेटिका में आप लिखकर डाल सकते हैं। कार्यालय में आप कभी भी जाइए, यदि आप जो है कार्यालय आपको वापस करता है किसी काम के लिए, हमारा विद्यार्थी शिक्षक या कोई भी कार्यालय जाता है, यदि कार्यालय उसे वापस करता है बिना जनहित कारण बताए तो उसकी तत्काल सूचना आप हमको दीजिए। यदि आप हमको देना उचित नहीं समझते हैं तो अब तक हर जगह लगा हुआ था, फिर लग जाएगा, प्राचार्य जी के मोबाइल पर डायरेक्ट आप उनसे फोन करके उसकी सूचना दे सकते हैं, लेकिन जनहित कारण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप फोन करके या जाके गुजर फंस जाए। तो इसलिए आप पहले मुकम्मल जानकारी कर लें कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ के कारण नहीं हो रहा है या विश्वविद्यालय के कारण नहीं हो रहा, क्योंकि इस समय विश्वविद्यालय की कार्यशैली और कार्य पर हमको कोई भरोसा नहीं रह गया। हम लोग 6 महीने तक तमाम चीजों के लिए लटक रहे हैं, तमाम चीजें जो है हम चाहे भी नहीं कर पा रहे। अभी कल हमारी परीक्षा है चतुर्थ सेमेस्टर की और अभी जाके हमको प्रवेश पत्र मिल रहा है, अब आप सोच लीजिए कि कितनी अच्छी व्यवस्था है। इसलिए हम विश्वविद्यालय में होने वाले कार्यों के बारे में अपने आप को पूर्ण रूप से बता पाने में सक्षम नहीं हो पाते कि वो किस समय हम करा पाएंगे और किस समय तक वो आपको करा कर दे पाएंगे। इसलिए आप उचित सूचना के साथ आप जो है तब आगे अपनी शिकायत बढ़ाएं, और फिर आप कभी भी आप सूचना दे सकते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है। इसके बाद पूरे प्रदेश इस समय कहीं भी छात्र संघ का चुनाव नहीं होता, छात्र संघ यानी कि छात्रों की बात सुनती ही नहीं जाती, उसके कई कारण, अधिकाधिक जो महाविद्यालय है वो सेल्फ फाइनेंस में और सेल्फ फाइनेंस में विद्यार्थियों की बात सुना जाना मेरे समझ से उसके चलाने वालों के लिए शोभनीय होता ही है, वो सुनते ही नहीं। ऐसे में इकलौता महाविद्यालय है जो देश के सभी विश्वविद्यालयों सभी महाविद्यालयों
में ना होने वाले छात्र संघ चुनाव को नजरअंदाज करते हुए प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय पर छात्र संघ का चुनाव कराता है और आपको अपनी बात कहने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए नहीं कि आप छात्र संघ में पदाधिकारी चुन के आएंगे तो आप लड़ाई करेंगे, इसलिए नहीं, आप में नेतृत्व क्षमता का विकास हो, ऐसे कौशल का विकास हो कि आप अपना नेतृत्व, अपने लोगों का नेतृत्व, अपने समाज का नेतृत्व करना कम से कम सीख जाए। यह उसका परम उद्देश्य है। इसका उद्देश्य पता ही नहीं है कि आप महाविद्यालय में आंसर करने बैठ जाए। तो हम लोग आपके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए सदैव तत्पर हैं और इसमें विभिन्न तरीके के व्याख्यानों का, विभिन्न तरीके के कार्यक्रमों का, कार्यशालाओं का आयोजन हम समय समय पर करते रहते हैं। अंत में मैं अपनी बात को विराम दूं, इसके पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी लोग यहां उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम में भाग लिए, ऐसे कार्यक्रम में धन्यवाद दे देना चाहिए। और चारिता मात्र होता है, देश और समाज का कार्य है, ये आपका काम है, ये राष्ट्र का काम है। फिर हमारा ये प्रथम परम कर्तव्य है, हम आप सभी के प्रति श्रद्धानत हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, दृढ़ मात्र भी सहयोग किया है, हम सभी के प्रति श्रद्धानत हैं और हृदय से आभारी हैं। और सभी के मंगलमय भविष्य की ईश्वर से कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सादर धन्यवाद सर। यहाँ उपस्थित कई लोगों के घर में कटरैन होगा, कटरैन बरसात में आवाज करता है और धूप में वो गर्म हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि उसी कटरैन की वजह से वह उस छत के नीचे सुरक्षित है। महाविद्यालय के अंदर उस कटरैन की भूमिका निभाने वाले हमारे उप प्राचार्य महोदय, हमारे प्राचार्यगण हैं, जो कठोर तो हैं लेकिन उन्हीं की वजह से इस महाविद्यालय में अनुशासन है। हम इसके लिए उन आचार्यगण सदा प्रणाम करते हैं जिनकी वजह से हर कार्यक्रम तुलतापूर्वक आराम से सफल हो जाता है। इसके पश्चात भारत कभी गुलाम नहीं था, भारत केवल अपनी सोच से गुलाम था। अगर भारत गुलाम होता तो महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह जैसे वीर कभी पैदा होते ही नहीं। इसके पश्चात मैं अपने 75 बुजुर्गों से कुछ कहना चाहूंगा कि माथे पर गमछा नीचे धोती, माथे पर गमछा नीचे धोती, यही हिंद की शान है और तीन रंगों में लगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, तीन रंगों में लगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। इसके पश्चात अब मैं गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पश्चात अब अंत में सभी लोगों को अपने स्थान पे स्थित रहकर प्रार्थना को प्रणाम करने के पश्चात इस कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाते हैं। तो सभी लोग अपने स्थान पर बैठे प्रार्थना को प्रणाम करेंगे। श्री महागणाधिपतये नमः। सुर से सुनाओ सरगम, से सुनाओ सरगम को सुनाओ सरगम, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। श्री ब्रह्मा जिनका नाम है, ब्रह्मांड जिनका धाम है, ऐसे पुस्तक धारी को बारंबार प्रणाम है, ऐसे पुस्तक धारी को बारंबार प्रणाम है।
इसके पश्चात अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर राष्ट्रगीत के लिए आमंत्रित करता हूँ। वो मंच पर आए और राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सभी लोग अपने स्थान पे अनुशासित रूप से खड़े हो जाएंगे।